जिसमें तबो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इनके साथ ताउन किया है। मेरी इंतहाए निगारिश अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है जो मुद्दते रसूल में इस तमाम उम्र में भरपूर नमों से शिरकत करेंगे। आपने तो मेरे होटल में बुलाया, मैं किसी क्या देखिएगा सर एक सेकंड यार, तुम लोग फोर इतना करते हो कुछ करते नहीं। मैडम मैडम ऐसे आ जाइए, ऐसा दस्ते हिमाई ऐसे तो हर लड़के अपना खुद ही जवाब है, बगैर महमूद के अयाज है, बगैर महमूद के खुद ही अयाज हैं और सर में चांद रखते हैं। लेकिन ये असलाही तौर पे मेरे पड़ोसी हैं, भाई ये सामने रखे। लेकर मैं गुजारिश करूंगा कि दिलो रोशन कश्मीर मां रोशन मेरी भाषा चांद जवाब भरपूर तालियां। देखिए इन्हें इस सहाफती इजलास पर इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। वैसे कहते हैं कि सबसे खतरनाक काला कोट है, उसके बाद काला कैमरा, लेकिन उससे पीछे था कैमरा। चांद भाई देखे, चांद भाई फिर चांद भाई बस ओके थैंक यू। अच्छा धूम मचा के अगर बात हो सकती है तो सिद्दीकी भी सामने आ जाएंगे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बड़ी जुर्रत से काम लेते थे लेकिन आजकल धूम मचा रहे हैं। सलीम सिद्दीकी यार, चांद भाई ये अच्छी बात है। आज मुझे तो ये अवार्ड मिला है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। मैं जब साफत में आया तो मेरी मोहतरमा से काफी मुलाकातें रही हैं। जब वो पाकिस्तान आई जमहूरियत के लिए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैं एक दफा सुबह रात 2 बजे एयरपोर्ट बैठा, पता लगा कि मोहतरमा इस्लामाबाद जा रही है और उनकी तबीयत खराब थी। तो मैंने कहा मोहतरमा ने मुझे देखा और कहा चांद नवाब मैं तुम्हें इस्लामाबाद आ से वापस आकर बुलाऊंगी। मेरा मतलब कहने का यह है कि वो ऐसी शहीद थी कि अगर किसी साफियों से इतनी मोहब्बत करती थी और ये मेरे लिए अवार्ड आज बड़ा एजाज है। मुझे भी दुआएं दी, किसी को नहीं भूलती थी चाहे वो कार्टून हो साफी हो, अगर एक खेले वाले को भी अगर जानती है तो अगर देखा तो उससे मिलती जरूर थी। मुझे भी दुआएं दी और मुझे आज बड़ी खुशी की बात है आज मुझे अब ये सहाफत के शहजादा सलीम तशरीफ लाते हैं आए। सलीम सिद्दीकी साहब कौमी अखबार सलीम भाई यहाँ देखिए कौमी अखबार हिंदी से। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहकर भी लगाएं तो शर्मिंदा ही कहलाते हैं।